मैं आपसे फिर क्या हूँ, चापलूसी ना करिए। मैं सवाल नहीं उठा, मैंने आपको बता दिया एनकाउंटर हो रहे हैं, 180 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूपी में जंगल राज है, इस बात को मान लीजिए। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कार के आरोप में फंसे हुए हैं, उनका शूट आउट क्यों नहीं होता, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? सवाल का मुद्दा है, जब मैं यूपी में रहता हूँ तो मैं यूपी की बात करूंगा। जहाँ गलत हो रहा है, गलत के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जो भी चीजें होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का टैग लेके उनको बचाया ना जाए। पुलिस अपनी हाथ पे हाथ धर के पीछे उसके खड़ी थी। अगर पुलिस वालों के पास गन और पिस्टल थी तो उस टाइम पे उसको शूट करने की क्यों नहीं कोशिश करी? देखिए आप लोग, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चापलूसी ना करिए। मैं इस बात पे बोलना चाह रहा हूं। देखिए 17 जनों की सुरक्षा जो थी, जो सुरक्षा थी 17 जनों की थी, नहीं थी, है ना? आप कहते कि अरे साहब सुनने की कोशिश करिए, कुत्ती ये कुत्ते बिल्ली की तरह मत लड़िए मेरे से, मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, आप मेरी बात सुनने की कोशिश। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब पुलिस सुरक्षा थी, फुल पुलिस मतलब सुरक्षा थी, सिक्योरिटी थी उसका, तो पुलिस की सुरक्षा के बीच में जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे 3 लोग आके शूट कर देते हैं। और आप लोगों को लगता है वाह मोदी जी वाह, वाह योगी जी वाह, ये नहीं चलेगा। जनता के बीच में ये बात आनी चाहिए कि वो शूट आउट कैसे हुआ, किस कारण हुआ। दिया है आरोपियों ने क्या बताया, सुनिए जरा। आरोपी पुलिस का बयान आया है कि आरोपियों ने कहा है कि वो अतीक अहमद से बड़ा जो है गुंडा बनना चाहते, तो इस पे जांच नहीं होनी चाहिए। तो नहीं जांच उनके पीछे, देखिए सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं इस चीज को ये नहीं कह रहा कि किसी का हाथ है क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, पुलिस की कार्रवाई के बाद पता लगेगा। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूपी में जंगल राज है, इस बात को मान लीजिए, इस बात को मान लीजिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया एनकाउंटर हो रहे हैं, 180 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। और अगले कितने, सुनिए, अगर जंगल राज नहीं होता, सुनिए, अगर जंगल राज नहीं होता, दिन दिहाड़े जो किसानों के ऊपर अजय कुमार टैनी के लड़के ने गाड़ी चला दी, 7 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता ये क्या मैं यूपी में जंगल राज है? नहीं, आप बताइए ना। देखिए सुनिए, मैं यूपी में रहता हूँ, तो मैं जब मैं यूपी में रहता हूँ तो मैं यूपी की बात करूंगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि, सुनिए, मेरा मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपका राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये है। सुनिए, जहाँ गलत हो रहा है, गलत के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता, आप तो खुद एक महिला है, महिला को दिनदहाड़े गोली मार दो, आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है? सुनिए, जंगल राज है ना, आपको मानना चाहिए जंगल राज है ना, आपको मानना चाहिए ना जंगल राज। सुनिए सुनिए, अरे मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। बलात्कारी खुलने में घूम रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कार के आरोप में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनका शूट आउट क्यों नहीं होता, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? सवाल का मुद्दा है। देखिए जो जांच होनी चाहिए, जो आपका जो भी चीजें होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का टैग लेके उनको बचाया ना जाए, ठीक है? अगर कार्रवाई उनके ऊपर भी हो रही है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, वहां से वहीं पे वहीं कार्रवाई जो होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भी, विधायकों पे भी होनी चाहिए। जी चलिए, ठीक है, धन्यवाद।